मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने कहा सक्सेस इज सक्सेस, तो अगर वो सक्सेस हमें गलत तरीके से मिल रही है, गलत काम करने के तरीके से मिल रही है, तो हमें उस सक्सेस के पीछे भागना चाहिए या हमें अपने मॉरल्स के साथ स्टिक करना चाहिए? What will the house say? You want to answer his question? Yes, sir. First, like, मैं आंसर ये करना चाहूँगा कि फर्स्ट हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि इंडिविजुअली मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि सक्सेस है क्या. अगर मैं इसको डिफाइन कर लूँगा तो शायद मैं अपने अपने खुद के मतलब कि आइडियोलॉजी के साथ स्टिक रह पाऊँगा, क्योंकि यहीं पे हम अपने सक्सेस को फाइंड आउट करते हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन आर सेल्फ कि वॉट इज सक्सेस. नहीं, अगर मेरे को सक्सेस के माने ये हो कि मुझे तो 100 करोड़ रुपया कम से कम कमाना है, तो और वो चाहे मैं चोरी करके कमाऊँ, हेराफेरी करके कमाऊँ, किसी को धोखा दे के कमाऊँ, किसी भी तरीके से कमाऊँ, क्या बुराई है उसमें? एक बार 100 करोड़ रुपया आ गया, उसके बाद मैं बड़ा ईमानदारी से काम करूँगा. सर मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि यही एक डिफरेंस है कि ये बहुत ही इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि आए दिन इंडिया में इतने सारे मिनिस्टर्स बहुत सारे फंड का घपला करते हैं. सो उनके लिए डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है. दैट इज द आंसर. बैठ जाइए, आप भी बैठिए. दैट इज द आंसर. ये आपके अपने ऊपर है, ये हर इंडिविजुअल की अपनी सोच के ऊपर है. समाज इस बात को नहीं मानता कि कोई अच्छी बात है अगर आप गलत तरीके से धन कमाएं तो. लेकिन अगर आपका मन फिर भी करता है, आप करते हैं, तो उसका फल अच्छा होगा या बुरा होगा आपको ही भुगतना पड़ेगा. सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश में जो रीति चल रही है कि अगर बंदा डिग्री कर रहा है तो उसके बाद इंडिया में नौकरी करेगा, लेकिन हमारे पंजाब में उससे बिल्कुल उलट चल रहा है. सब प्लस, किसी ने डिग्री की है या नहीं की है, सब बाहर जाना या अमेरिका या कनाडा के वीज़ा जाते हैं. सो सर इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या हमारे देश में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनको? नहीं, अब ये आप पंजाब की बात कर रहे हैं तो पंजाब के लोगों को जवाब देना पड़ेगा ना इसका. लेकिन क्या है कि दूर के ढोल सुहावने, ये कहावत सुनी होगी हमने ना. एक्चुअली यही हो रहा, बल्कि मुझे कई बार हैरानगी होती है लंदन एयरपोर्ट पर, इवन अमेरिका में बहुत जगह जाता हूँ, छोटे छोटे काम कर रही होती हैं अपने लेडीज़. कई बार पंजाब की कोई मुझे लगती है कि पंजाब से है तो उनसे मैं बात करने लगता हूँ, पंजाबी में बोलता हूँ तो खुश हो जाती हैं. पूछता हूँ भाई क्यों आए यहाँ आप, ये काम क्यों कर रहे हैं, बाथरूम की सफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. कह जी आए तो थे, तब तो लगा था कि भाई लंदन बड़ा अच्छा है, वहाँ बहुत पैसा है, बड़ी इज्जत है, लेकिन यहाँ आके तो कुछ नहीं मिला. तो बहुत सही जवाब तो मैं शायद नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि जो अपॉर्चुनिटी अपने देश में है उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी बाहर नहीं है. वरना तो ये कहावत ये है कि गांव में किसी का नाक कट गया गलती से तो लोग क्या बोलने लगेंगे, नाक कटे हुए आदमी को क्या बोलेंगे, नकटा. उस आदमी ने क्या किया कि बोले यार ये तो काम गड़बड़ है. उसने कहा यार मैनू तो रब दिखता है, नक कट गई मेरी, रब दिखता है, क्योंकि नक आगे आ जाती सी पहले, नक रब दिखता नहीं सी. 10-15 लोगों के और कटवा दिए उसने. अब उसको तो नकटा कहना बंद कर दिया लोगों ने. तो मुझे कहीं लगता है कहीं ना कहीं पंजाब के लोग ये गलती कर रहे हैं. यस सर, मैं थोड़ा एंटरप्रेन्योर से हट के बात करना चाहता हूँ. सर जैसे अभी आपने कहा कि आप बंदे का नॉलेज देखते हो, उसका एक्सपीरियंस नहीं देखते हो, उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देखते हो. नहीं, तो टैलेंट देख. हाँ, टैलेंट देखते हो. हाँ. तो सर एक बंदा है जिसके पास टैलेंट है, उसके पास इवन 9th की भी डिग्री नहीं है,
तो सर क्या आप उसे अपने कंपनी में हायर करोगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। बट सर आज मैं, तो मैं आपको उसका एक उदाहरण, मैं अभी मेरे पास जागता उदाहरण है हमारे यहाँ, हमारी कंपनी एसएल पैकेजिंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट नंबर वन कंपनी है जो ट्यूब्स बनाती है फॉर टूथपेस्ट, मेडिकल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, उस सब के लिए। तो आज से आज मेरे ख्याल 17-18 साल पुरानी बात है, बेंगलोर एयरपोर्ट पर बीवी ने शॉपिंग ज़्यादा कर ली, एयरपोर्ट पे मिली, बैग बंद करना चाहती थी, नहीं बंद हुआ, मैंने भी कोशिश की, नहीं कर पाया। एक पोर्टर खड़ा हुआ देख रहा था, उसने आके बड़े आराम से बिना कोई प्रेशर लगाए कुछ किए उसको बंद कर दिया। वहीं मैंने कहा कि तुम आओगे मेरे पास काम करने के लिए, ही केम, टुडे ही इज द टॉप मोस्ट प्रोडक्शन इंचार्ज ऑफ द दैट कंपनी। वो बड़े बड़े इंजीनियर उसको रिपोर्ट करते हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर्स उसको रिपोर्ट करते हैं उस लड़के को। तो टैलेंट पहचानने की बात है, कोई हमेशा हम पहचान पाते ऐसा ज़रूरी नहीं है, कई बार नहीं भी पहचान पाते, लेकिन आदमी को अपना टैलेंट पहचानना पड़ना ज़रूरी है, वो आवश्यक है। अच्छा, अभी एक मेरे दर्शकों के लिए एक मैं आपसे 5 मिनट समय चाहूँगा। मैं चाहूँगा मेरे यहाँ जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ आपसे, इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं उनको, मित्तल साहब, उनको मैं बुला रहा हूँ, उनसे एक दो सवाल मैं पूछूँगा आप लोगों के लिए। मित्तल, आपका इस DSC शो पर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मेरे दर्शकों को आप बताएंगे कि आपने ये इतनी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कैसे शुरू की, किसने शुरू की? हम लोग जालंधर में आए और बिजनेस कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने 1961 में मेरे फादर साहब ने मिठाई का बिज़नेस शुरू किया जालंधर कैंटोनमेंट से, छोटा सा, और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया। फिर हम लोग ऑटोमोबाइल डीलरशिप्स में आए, बजाज मारुति में। फिर एक स्टेज आई जब मेरे फादर साहब ने कहा मुझसे या हमारे परिवार से मिलके कि हम कुछ ऐसा करें सोसाइटी के लिए, क्योंकि इस पंजाब ने, इस एरिया ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब हमारा टाइम है कि हम वापस करें अपनी सोसाइटी को, कुछ ऐसा किया जाए। तो डिफरेंट ऑप्शन सामने आई, जिसमें हॉस्पिटल्स आए, प्याऊ आए, सराएँ आई, ऑर्फनेज होम आए और एजुकेशन भी आई। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने सोचा कि हम एजुकेशन में जाएं। तो एजुकेशन का कब शुरू किया आपके पिताजी? ये हम लोगों ने 2001 में पहला इंस्टीट्यूट शुरू किया था, लवली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के नाम से। 2001 में शुरू किया? 2001 साल। उस समय कितने स्टूडेंट्स थे आपके पास? उस समय हमारे पास 256 स्टूडेंट्स थे और 4 प्रोग्राम्स थे। आप देख रहे हैं कि 256 स्टूडेंट्स से आज इस यूनिवर्सिटी में 32,000 स्टूडेंट्स कैंपस में हैं। और इसके साथ लगभग 1,00,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स डिस्टेंस लर्निंग से इस यूनिवर्सिटी से शिक्षा ले रहे हैं। तो ये सब कैसे हुआ? ये 14 साल की जर्नी इतनी तेज़ी से आपने कैसे पूरी की? इसमें सबसे पहले तो जो छोटे शहर बड़े शहर की बात में, क्योंकि वो इस आज का मुद्दा था आपके विषय का, कि छोटा शहर कुछ नहीं होता, पहले तो आपकी इच्छा होनी चाहिए। और इसी छोटे शहर से हमने मिठाई का काम शुरू किया और यहीं से इंस्टीट्यूशन का काम शुरू किया, और इसी छोटे शहर से देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई 8 साल में। वेरी गुड। तो आपने देखा दोस्तों किस प्रकार से एक केवल इच्छा शक्ति की वजह से उन्होंने एक इतनी बड़ी चीज़ देश को दे दी, समाज को दे दी। तो मुझे लगता है कि मित्तल परिवार पर ये जो एक छोटा सा जुमला है वो बड़ा सही उतरता है, वो ये है कि नाजा हो खुदा दिल में हो आग रे, तो ऊंचाई भी तुझे झुक के हाथ दे। बहुत खूब, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, आज इसके साथ ही ये कार्यक्रम को यहाँ विश्राम देते हैं।